मैं बाहर आई हूँ, छत पे देखिए यहाँ पे छत पे आराम से थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा तो चल नहीं रही है, बट फिर भी पूरा दिन वही ना। हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये टुक टुक सुबह सुबह आ चुका है। मैम स्कूल गई तो इसको यहाँ छोड़ के जाते हैं ना, जब वो स्कूल जाती हैं तो ये देखो मेरे को अब ताई ताई बोलने लग गया है। टिया भी सो के उठी है और कबीर भी, ये देखो मैंगो शेक पी रहा है और ये देखिए खिचड़ी कैसे रखी हुई है। आज ना मेरे को लेट हो गया था थोड़ा, तो मैं काम ही नहीं कर पाई, तो वरना टुक टुक के आने से पहले मैं सारा काम करके रखती हूँ। ये जो कि सुबह सुबह आ जाते हैं 8 बजे हमारे घर पे, टुक टुक। हाँ मम्मी गई स्कूल, टुक टुक मामा गई स्कूल। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और देख सकते हैं आप कैसे धीमी धीमी, हाँ धीमी धीमी कहेंगे ना, धीमी धीमी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, मतलब बोछा टाइप से इतनी बारिश हो रही है कि मैं बाहर भी आ सकती हूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है। फेस में ऐसी हल्की हल्की सी बुछार पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है। और टुक टुक सुबह सुबह आ गया, 8 बजे आ जाता है वो, तो वो देखो इनकी अपना लगे हुए हैं, तीनों तीनों खेल रहे हैं वहाँ पे टुक टुक के साथ में। अभी बच्चे नहाए धोए कुछ भी नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया है बट मतलब हुआ नहीं है, उन्होंने सिर्फ वो खाया है मैंगो शेक पिया है अभी। और आज मैंने पता है क्या बनाया सुबह सुबह, आप लोग भी कहेंगे सुबह सुबह क्या बना लिया, तो आज मैंने सुबह सुबह बनाया है मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि कल हमने ना बहुत सांभर डोसे बहुत ज़्यादा खा लिए थे, तो इसलिए अभी थोड़ा लाइट ली हमने लिया। कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? ये देखिए तो कैसे भागता है घर में, पूरे घर में भागता है, और किचन में तो पूछो मत, इधर कहाँ जा रही हो? मम मम, ये देखो सांचे चला क्या, चला क्या, चली गई चली गई, कहाँ चली गई? अच्छा चलो रूम में जाना, यहाँ ना मतलब थोड़ा डर ही रहता है क्योंकि देख बाहर में सारे में घूमता है ना, तो ध्यान रखना पड़ता है इसका, थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही रखना पड़ता है। टुक 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 नो। तो बस अभी सॉरी, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी तो अभी वही खाएंगे हम दही के साथ, दही और मूंग की दाल की खिचड़ी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। ये देखिए ये देखिए, और क्योंकि ना नो बेटा, और ना मतलब थोड़ा सा डोसे का बैटर बचा हुआ है और सांभर भी बचा हुआ है, आलू की पिट्ठी तो है नहीं, मतलब बहुत कम है, शायद दो एक डोसे बनेंगे उसमें, बाकी प्लेन और सांभर के साथ हम ऐसे ही खा लेंगे, तो दिन में तो हम वो खा लेंगे। और अभी हमने मूंग की दाल खिचड़ी और दही ले लिया ब्रेकफास्ट में, क्योंकि इन्होंने भी कहा कि मेरे को भी हैवी हो रहा है, बस यही बना दे, तो आज वही बनाई है। और टुक टुक लगे देखो कबीर के साथ बाहर खेल रहा है, चलो मैं बाकी काम कर लेती हूँ। काम तो वैसे बहुत मुश्किल होता है जितने ये रहता है ना घर में, तो काम का तो आप भूल ही जाओ कि आप कोई काम कर सकते हैं। और जो मेरे फर्स्ट क्राफ्ट है मैंने बनाया था, एक छोटा सा बनाया था, उस पर मैंने लिख रखा है हैप्पी बर्थडे टिया कभी, ऐसे लिया था मैंने। और मैं ये मेरा फर्स्ट टाइम आपको सेकंड दिखाती हूँ। सो गाइस, एक मैंने बनाया था ये आईफोन, ये कभी ने ख़राब कर दिया था CR7 लिख के, तो ये मैंने बिल्कुल रियल लग रहा है ना आईफोन, अगर दूर से देखो तो आईफोन ही लगता है। और यहाँ से मैंने कुछ ऐसा वॉलपेपर बना दिया, और ये बनाया मैंने एक लैपटॉप, अब इसको आप ओपन करके मैं दिखाती हूँ। तो ये है शिनचान, ये मेरा फेवरेट कार्टून है, और हमने कीबोर्ड बना लिया है, और ये जैसे स्क्रीन आगे चल रही है, तो ये भी लैपटॉप बहुत क्यूट सा है। और जो गाइस रिबन होता है ना, वो रिबन को मैंने टाई करके ये ऐसे बो सा बना लिया, और मैंने कप पे लगा दिया। और गाइस एक क्राफ्ट मैंने ये भी बनाया है फ्री, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मैंने इधर लगाया है जिस खिलाना है ना, देखिए कितना इधर टू टू बर्ड्स बैठी है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये मैंने आज बनाया है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है ये, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, देख सकते हैं आप। एंड गाइस आज मैं छोटा सा क्यूट सा बॉल टाइप का बनाया था, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। तो गाइस अगर आपको मेरे क्राफ्ट अच्छे लगे तो ये सब क्राफ्ट देखे, मैंने इनको कितने क्यूट क्यूट बना रखे, अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट्स करना और लाइक कर देना। टुक टुक चला गया था 2 बजे, और टुक टुक के जाने के बाद पे ना फिर मैंने सारा घर संवाया, घर का पूरा सारा काम किया जो भी फैला हुआ था, और कपड़े बहुत सारे धोए थे, तो अभी आप देख सकते हैं, देखिए कितने सारे कपड़े हैं, ये स्कर्ट है, इतने सारे कपड़े हैं, सारे कपड़े मतलब मेरे को धुल चुके हैं, इनको बस तह करना है।
और पर ये मैं अभी भी घर करूँगी क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, कुछ भी काम करने का इस टाइम मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, और क्योंकि मैं करूँगी भी नहीं अभी। और अभी बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ इनका, शाम को मतलब 6 बज गए हैं, 6:30 तक ही आएंगे। और बच्चे नीचे गए हैं साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उन्होंने साइकिल नहीं चलाई थी ना, तो मैंने नीचे कुछ बच्चे साइकिल चला रहे थे, नीचे बैठे हैं वहाँ सामने, दिख रहे होंगे आपको मेरे कहना चाहिए लड्डू गोपाल मेरे बैठे हुए हैं, मैंने उनके सामने रखा हुआ है। और बस मेरा चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन पता है क्या, मैं अकेले के लिए तो मैं शायद चाय कभी नहीं बना सकती कि मैं खुद के लिए चाय बना के और मैं पी लूँ, तो बस मुझे इनका वेट है, ये आएंगे उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। अभी मेरा सारा काम हो गया है और अभी मैं बाहर आई हूँ छत पे, देखिए यहाँ पे आराम से थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तो चल नहीं रही है, बट फिर पूरा दिन वही ना पंखे वगैरह चलते रहते, तो मैंने थोड़ा उनको भी रेस्ट मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने चलो थोड़ी देर बाहर घूम लेती हूँ। और बच्चे भी आए नहीं है, बच्चे नीचे ही हैं, और परिदेव का फ़ोन आया है अभी, और वो कह रहे हैं कि मैं ब्रेड ला रहा हूँ, बेसन है घर में, मैंने कहा बेसन तो है, तो कह रहे आलू उबलने के लिए रख दे और मेरे को खाने हैं ब्रेड पकौड़े, मेरा ब्रेड पकौड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है। एक्चुअली उन्होंने ना जैसे वो आते हैं ना वहाँ से प्रतापपुर से आते हुए एक वहाँ पे एक बीच में एक ब्रेड पकौड़े वाला है, तो उन्होंने उसके यहाँ ब्रेड पकौड़े बनते हुए देख लिए, पर कहने मैं बाहर तो खाऊँगा नहीं ब्रेड पकौड़े, तो तू एक काम कर बस आलू उबलने रख, मैं अपने ब्रेड लेके मैं आ रहा हूँ और आज ब्रेड पकौड़े खिला दे गरम गरम। तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में और मैं करूँगी ब्रेड पकौड़ों की तैयारी, क्योंकि ब्रेड पकौड़े बनाऊँगी आज, अब उन्होंने बोला है तो यार बनाने तो पड़ेंगे। तो और चलिए चल के सबसे पहले तो ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, उसके बाद में चाय और ब्रेड पकौड़ा की पार्टी करते हैं आज। मैं आ गई हूँ अब किचन में, और किचन में आके सबसे पहले मैंने लिया है बेसन, और बेसन में मैंने डाला है नमक, डाला है मिर्च, डाली है धनिया, डाला है और डाला है मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और इसको मैंने अच्छे से मतलब कि फेंट लेती हूँ, मतलब फेंट मेरा मतलब कि घोल लेती हूँ इसको, और इसको अच्छे से घोल लेंगे, पता है क्या जितना घोलेंगे ना उतनी अच्छे अच्छा ही रहता है, मतलब उतने अच्छे से मतलब बेसन अच्छे से फिट जाता है मतलब, और उसको थोड़ी देर के रेस्ट 5-1 मिनट के रेस्ट भी करना चाहिए। और बस उसके बाद में मैंने आलू उबाल के रखे थे, आलू में मैंने बस तेल डाला है, जीरा डाला है, थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च डाली है 2-4, और डाल के मैंने इसकी पिट्ठी ऐसे तैयार कर ली है, और बस ब्रेड लेके मैं ब्रेड में इसको इस तरह से कुछ लगा दूँगी जैसे हम सैंडविच बनाते हैं ना आलू वाले, सेम उसी तरीके से मैंने सारे बना बना के मैं सारी ब्रेड्स में मतलब कि एक साथ लगा के रख दूँगी, क्योंकि फिर वही बीच बीच में रुको ये सब करो, तो उससे अच्छा है कि एक ही बार में सारा लगा दो। तो मेरे अच्छे खासे ब्रेड पकौड़े मतलब काफ़ी मेरे बन गए थे, हमने खूब भर पेट खाए हैं। तो बस करने के बाद में इसको बीच से काट के मैंने ना ऐसे इनको इसमें घुलने के बाद में इसमें मैंने कढ़ाई में इसको डाल दिया, देखिए कितने अच्छे लग रहे बन रहे, अरे बिल्कुल हलवाई के जैसे है, जी हाँ बिल्कुल हलवाई वाले ही थे, इतने क्रिस्पी। और पता है इसमें अगर आप एक काम और कर सकते हैं, जब ये ब्रेड पकौड़े हमारे बन के तैयार हो जाते हैं ना, तो आप इसमें ना ऊपर से अगर चाट मसाला रख लेंगे ना ऊपर से, उसके बाद कहेंगे आहा हा हा, मैं बता नहीं सकती मज़ा आ जाएगा। काम वाम सारा हो गया किचन का, खाना पीना सब निमट गया, ब्रेड पकौड़े बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बने हुए थे, अच्छे लग रहे थे खाने में। फिर भी अभी 4 बज गए हैं और वो 4 हम सुबह खाएंगे, मैंने कहा सुबह चाय के साथ खा लेंगे। और अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, ये लोग नीचे गए हैं घूम रहे हैं 3 बजे जाके, मुझे ये बोल रहे थे, मैंने कहा तुम लोग इतने घूम लो, मैं इतने काम कर लेती हूँ अपना सारा घर का जो भी किचन का मुझे करना है, बहुत गर्मी लग रही है, बस अब मैं नहाऊँगी जाके क्योंकि पहले पसीना सुखा लूँ, मैंने कहा उसके बाद ही नहाऊँगी, क्योंकि बिना नहाए तो बिल्कुल ही सोया जाता है। और मैं कुछ बता रही थी आपको, पता नहीं क्या यार भूल गई, चलो जब ध्यान आएगा तब बताऊंगी। फिलहाल देखना उस दिन मैंने ये टॉप्स पहने थे ना वो वाले उतारे थे, तब से लेकर अब तक मैं इनको मतलब दोबारा नहीं पहन पाई, और आज ना मेरी नाक की लौंग भी ना गिर गई थी, ये पता है दूसरी बार गिरी आज, एक बार पहले भी गिर चुकी है मिल गई थी, आज दूसरी बार गिर गई और मिल गई, पर मैंने उसको रख दिया, उसको पता नहीं क्या लॉक उसका ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है उसमें, एक बार दिखाऊँगी दूसरा लाऊँगी लॉक एक और। तो अभी मैं यही कहूँगी कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, भर भर के सपोर्ट कीजिए, भर भर के लाइक्स कीजिए, और बहुत अच्छा लगता है, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं वो भी बना रही हूँ, पता नहीं आप लोग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करना, बताना ज़रूर, क्योंकि कुछ भी नया करते हैं आप लोग बताते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, जो भी है तो आप लोग प्लीज़ बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।